हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम। इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू टीचिंग मेथड्स एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट टीचिंग मेथड, दैट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो इफ यू लाइक एंड इफ यू लाइक माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस सो दैट यू कैन गेट updates as soon as I upload a video on my channel. So let's begin. This video is going to be in Hindi language so that you can understand better. तो हम देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। सबसे पहले तो इस मैथड के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं उनको इसी मैथड के द्वारा पढ़ाया गया है। सबसे बेसिक मैथड है और हम बचपन से इसी मेथड से हमको इंग्लिश पढ़ाई गई है स्कूल्स में। तो जैसे जैसे हम इस मेथड को पढ़ते जाएंगे, आप इसको एसोसिएट करना अपनी रीडिंग से, जिस तरह आपको स्कूल में पढ़ाया गया है उससे, तो आपको ये लर्न करने में भी इजी रहेगा। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, परंपरागत मेथड, क्योंकि कई सालों से यही सबसे ज़्यादा परंपरा में चल रहा है मेथड हिंदी मीडियम स्कूल्स में। क्लासिकल मेथड और ओल्डेस्ट मेथड, ये तीनों इस मेथड के नाम हैं। सबसे पहले हम इसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं। इस मेथड का इंट्रोडक्शन, पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज, यह मेथड प्राथमिक स्तर पर बहुत ही पॉपुलर है। क्यों है पॉपुलर प्राइमरी स्टेज पर? क्योंकि छोटी स्टेज पर जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में खुद की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनको ये मेथड सूटेबल रहता है, क्योंकि वो अपनी मदर टंग में अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसमें वर्ड से सेंटेंस की तरफ जाते हैं, ट्रांसलेशन इन मदर टंग। इसका मतलब है सबसे पहले वर्ड, इसकी यूनिट वर्ड होती है इस मेथड की, जो बेसिक यूनिट है वो वर्ड है। वर्ड से हम सेंटेंस की तरफ जाते हैं, यानी सबसे पहले वर्ड का ट्रांसलेशन किया जाएगा, पूरे सेंटेंस में एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन किया जाएगा और उसके बाद पूरे सेंटेंस की मीनिंग समझाई जाती है मदर टंग में। तीसरा पॉइंट है टीचिंग विद द हेल्प ऑफ मदर टंग। इसमें मदर टंग के द्वारा टीचिंग कराई जाती है, जो कि हमारी हिंदी है मदर टंग, तो जो भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसको हिंदी की सहायता से ही पढ़ाया जाता है। रोट और मैकेनिकल ड्रिल यूज़ की जाती है। इसमें एक मैकेनिज्म चलता है, उसी के थ्रू इसमें सारी स्टडी कराई जाती है। अगला है बेसिक यूनिट वर्ड। इसका जैसे मैंने बताया आपको, बेसिक यूनिट वर्ड होता है, वर्ड से शुरू होता है और फिर हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेस ऑन रीडिंग, इस मेथड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रीडिंग पर ही रहता है। स्पीकिंग, लिसनिंग या एक्सप्रेसिंग, इन फीचर्स पे स्ट्रेस नहीं रहता, सबसे ज़्यादा रहता है सिर्फ रीडिंग पर, ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ सके, उसको पढ़ने लायक बना दिया जाए कि वो उसका ट्रांसलेशन कर सके अपनी मदर टंग में। स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम क्लास में पढ़ते थे तो पैसिव यानी कि निष्क्रिय स्टूडेंट, निष्क्रिय श्रोता होते हैं, कि वो बस बैठकर सुनते थे, टीचर पढ़ाते थे ग्रामर के रूल्स कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ट्रांसलेशन, तो हम बस सुनते थे और वो जो सेंटेंस देते थे उसका ट्रांसलेशन कर देते थे। उसका एक्टिव यूज़ होता अगर हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते या कन्वर्सेशन में यूज़ करते, लेकिन हमने क्लास में वो नहीं किया, इस मेथड में सिर्फ ट्रांसलेशन का काम किया, इसलिए पैसिव लिसनर्स होते हैं स्टूडेंट। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ ग्रामेटिकल पैटर्न्स। इस मेथड में जो दोनों लैंग्वेज हैं, एक तो इंग्लिश और एक मदर टंग, उनका जो ग्रामेटिकल पैटर्न होता है उसमें कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट, तुलना और विरोध दोनों दिखाए जाते हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा हिंदी में या इंग्लिश में और उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाएगा, तो मेथड समझाया जाएगा कि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट एंड एट्सेट्रा, और हिंदी का भी समझाया जाएगा कि हिंदी में सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, वर्ब ये होती है। तो दोनों मेथड्स को, ग्रामेटिकल पैटर्न को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके सिखाया जाता है। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश फ्रेजियोलॉजी। इसमें क्या होता है, इंग्लिश की जो फ्रेजियोलॉजी है, जो इंग्लिश की फ्रेज होती है, वर्ड वर्ड का ग्रुप, उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ट्रांसलेशन मेन फीचर है इसका। नेक्स्ट है लिटिल यूज़ ऑफ टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी कि जिस लैंग्वेज को हमको सीखना है, टारगेट जो है हमारा इंग्लिश, उसका लिटिल यूज़, बहुत ही कम यूज़ होता है इसमें।
मेन सबसे ज़्यादा मदर टंग का ही यूज़ होता है। आगे हम देखते हैं नॉन टू अननोन, ये एक मैक्सिम है, नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये मेथड इसको फुलफिल करता है। इसमें हम जो चीज़ हमें ज्ञात है यानी कि मदर टंग, उससे हम अननोन, जो इंग्लिश हमारे लिए अननोन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की सहायता से हम अज्ञात वस्तु या अज्ञात भाषा इंग्लिश की तरफ जाते हैं। ग्रामर थ्रू स्टडी ऑफ रूल्स डिडक्टिवली, तो एक इसमें ग्रामर डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली का मतलब आप समझिए कि ग्रामर को सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है कि आप उसका ट्रांसलेशन में यूज़ कर सकें, जबकि डेली लाइफ में उसका यूज़ आप नहीं कर पाते, और सिर्फ रूल्स के द्वारा ही समझाया जाता है ग्रामर को। और एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी, कि आपको जो होमवर्क दिया है वो आपने सही किया है या नहीं। बाकी आप उसका यूज़ करना सीखें, एक्सप्रेस करना, थिंकिंग, वो सब इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ है एक्यूरेसी। अब फ्रेंड्स हम इसकी मेरिट्स देख लेते हैं, इस मेथड की कुछ मेरिट्स यानी कि खास बातें क्या क्या है, इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है इस मेथड की। सबसे पहला तो इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्चा इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं, ब्लैक बोर्ड और चॉक चाहिए और बस इसी से हो जाता है। टाइम सेविंग है, टाइम सेविंग ऐसे कि पूरी क्लास को एक साथ पढ़ा सकते हैं आप ब्लैक बोर्ड की सहायता से, एक एक स्टूडेंट पे फोकस नहीं करना होता, और सिर्फ एक ही रूल के द्वारा आप पूरी क्लास को समझा सकते हैं। कन्वीनियंट है, टीचर के लिए भी कन्वीनियंट है कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी खास बात है इसमें क्लैरिटी, क्लैरिटी को हम ऐसे समझेंगे कि कोई इंग्लिश का वर्ड है और अगर हम उसको इंग्लिश में ही समझाएं तो हो सकता है स्टूडेंट ना समझ पाए, लेकिन जब हम उसको मदर टंग में समझाएंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो लाइक एक वर्ड लेते हैं जैसे काऊ है, अगर हम उसको इंग्लिश में समझाएं स्टूडेंट को कि काऊ इज़ एनिमल एनिमल विद वाइट कलर एंड फोर लेग्स, तो हो सकता है कि वो समझ नहीं पाए, लेकिन उसको पता है गाय क्या होती है, अगर हमने सीधा बोला काऊ मीन्स गाय तो वो समझ जाएगा। तो ये क्लैरिटी होती है। लेस चांसेस ऑफ वैग्यूनेस, वैग्यूनेस मतलब अपोजिट ऑफ क्लैरिटी, कि वैग्यूनेस के बहुत ही कम चांस होते हैं। वोकैब बिल्डर, इससे हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है स्टूडेंट्स की, उनको नए नए शब्द सिखाए जाते हैं तो वोकेबलरी बिल्ड होती है। एक है एप्रिसिएटिव थ्योरी, इस थ्योरी को आप याद ही कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरी का मतलब है लर्निंग इज़ टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़। तो ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इस थ्योरी को फुलफिल करता है, मतलब लर्निंग इज़ टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़, यानी कि जो हमारी पुरानी नॉलेज है यानी कि हिंदी, और न्यू आइडियाज़ यानी कि इंग्लिश, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर याद रखना। अगला मेरिट है शॉर्टेस्ट वे एंड फॉर एवरी सिचुएशन, सबसे सरल तरीका है, छोटा तरीका है, एक साथ ही हम पूरी क्लास को सिखा सकते हैं और हर सिचुएशन के लिए है, किसी भी सिचुएशन में आप स्टूडेंट्स को इस मेथड से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। करेक्ट नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ इंग्लिश, इससे इंग्लिश की हम करेक्ट नॉलेज सीखते हैं, क्योंकि इसमें मेन फोकस ग्रामर पर रहता है, रूल्स पर रहता है, और उसके थ्रू हम उसका सही यूज़ करना सीख जाते हैं कि किस सिचुएशन में ग्रामर का कौन सा रूल लगा के हमें ट्रांसलेशन करना है। इम्प्रूव्स मेमोरी पावर, इसमें मेन खेल मेमोरी का ही है, क्योंकि हमें सब कुछ मदर टंग में याद करना होता है, ट्रांसलेशन, वोकैब, सब कुछ, तो मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है। आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यह है आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ ट्रांसलेशन ही है बेसिक। डिसिप्लिन्स माइंड्स एंड टेस्ट कॉम्प्रेंशन बेटर, एक तो ये माइंड को डिसिप्लिन करता है, ग्रामर का एक फीचर है कि वो माइंड को डिसिप्लिन करती है, क्योंकि हम सारा काम ग्रामर के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये डिसिप्लिन करती है। एंड टेस्ट कॉम्प्रेंशन बेटर, इसका मतलब है कॉम्प्रेंशन मतलब समझ कितनी आई हमको, किसी चीज़ को हम कितना समझे उसे कॉम्प्रेंशन बोलते हैं। तो ये समझ को कैसे टेस्ट करता है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया टीचर ने, स्टूडेंट को समझ तो आ गया पर वो उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इस मेथड के जरिए वो हिंदी में पूछ के ये तो जान सकता है कि इसको समझ में आया है या नहीं आया। लाइक टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, अब स्टूडेंट उसको इंग्लिश में नहीं बोल सकता तो टीचर बोलेगा चल इंग्लिश में नहीं हिंदी में समझा दे, तो हिंदी में वो बोल देगा, तो उससे टीचर को पता लग जाएगा कि इसको समझ तो आ गया। डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, जैसा मैंने पहले ही बताया था, दोनों लैंग्वेजेस उसकी स्ट्रक्चर को अलग अलग करके कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट से समझाते हैं। फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेज, ज़्यादा भीड़ भरी क्लासेज में भी हम इस मेथड को यूज़ में ले सकते हैं, कितनी भी भीड़ हो एक ब्लैक बोर्ड चाहिए और चॉक चाहिए और उससे हम पूरी क्लास को समझा सकते हैं।
अब इसके डिमेरिट्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या दोष हैं इस मेथड के। एक तो गेटिंग ऑब्सोलीट, ये मेथड धीरे धीरे अब लुप्त होता जा रहा है, कम यूज़ में आ रहा है, क्योंकि लोग इस मेथड को अननेचुरल मेथड भी मानते हैं और ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से स्कूल खुलती जा रही हैं अब, तो वहाँ पर इस मेथड का काम कम ही है। नो फोकस ऑन स्पीकिंग, इंटोनेशन, प्रोनंसिएशन। इस मेथड में स्पीकिंग पर, बोलने पर, उच्चारण, बोलना और स्वर शैली, इन पर बहुत ही कम फोकस रहता है। यूजलेस वोकैब, इस मेथड में वोकैब जो सिखाई जाती है वो यूजलेस होती है, क्योंकि सिर्फ उसको रटना सिखाते हैं, यूज़ करना नहीं सिखाते, तो वो यूजलेस वोकैब रहती है। लूजेस करेक्ट इफेक्ट, कई इंग्लिश के फ्रेजेज ऐसी होती हैं जिनको हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, पर इस मेथड में उनको करना पड़ता है। जैसे कई मुहावरे होते हैं इंग्लिश के जो इंग्लिश लोग यूज़ करते हैं, तो उनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कांट एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट एवरीथिंग, हर चीज़ को आप, इस मेथड की खराबी है कि आप हर चीज़ को एक्सप्लेन और ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यानी कुछ वर्ड हैं जो तो आप ट्रांसलेट करके बता देंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा इंग्लिश में कई शब्द रहते हैं जो हिंदी में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो उनको आप इसके थ्रू नहीं समझा सकते। रूइंस द ब्यूटी, ये इंग्लिश की ब्यूटी को ख़राब कर देती है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, सिस्टम है, उसका जो पैटर्न है, उसको जब आप हिंदी में करते हैं तो वो उतना ब्यूटीफुल नहीं रहता और वो ब्यूटी नष्ट हो जाती है। अननेचुरल मेथड, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो आप उसी लैंग्वेज को यूज़ कीजिए, दूसरी लैंग्वेज के थ्रू सीख रहे हैं तो वो अननेचुरल हो जाएगा। नो बॉन्ड बिटवीन थाट एंड एक्सप्रेशन, ये थाट है कि हम जो सोचते हैं और जो एक्सप्रेस करते हैं उसके बीच कोई बॉन्ड नहीं रहता। एक्सप्रेस हम हिंदी में कर रहे हैं, सोच हम हो सकता है इंग्लिश में लें, पर वो दोनों के बीच बॉन्ड नहीं बैठ पाता। रिटार्ड्स थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग, ये मेथड थिंकिंग और एक्सप्रेसिंग को भी रोकता है। हम हिंदी में ही सोचेंगे, हिंदी में ही बोलेंगे, बस पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो रहा है, बाकी सब काम हिंदी में ही हो रहा है। अपोजिट टू फ्रॉम होल टू पार्ट, ये भी एक मैक्सिम है, फ्रॉम होल टू पार्ट, ये इसका अपोजिट है, क्योंकि होल होता है सेंटेंस और पार्ट है वर्ड। इसमें बेसिक यूनिट जबकि वर्ड है और होल सेंटेंस है, तो ये उसका अपोजिट है। नेगलेक्ट साइलेंट मॉडल एंड रैपिड रीडिंग, इसमें इन तीनों रीडिंग्स को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि सिर्फ टीचर ही काम करता है, स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर होते हैं, तो वो इन तीनों में से कोई भी रीडिंग नहीं करते। थ्रो रूल्स नो यूज़, यानी कि इसमें सिर्फ रूल्स के थ्रू ग्रामर को सिखाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ हमारी डेली लाइफ में करना नहीं सिखाया जाता। डल है, अनइंटरेस्टिंग है, पैसिव लिसनर्स होते हैं, ओवर विद द एग्ज़ाम्स, और ये मेथड एग्ज़ाम्स के साथ ही ख़त्म हो जाता है। आपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला ले आए, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं रहता, आप डेली लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने मेन मेन पॉइंट्स ही इसमें नोट किए थे बुक में से, और मुझे लगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे और कोई ऐसा मैटर दिखा नहीं टीचिंग मेथड से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक वीडियो बना दूँ। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।